हेलो फिजियोस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल फिजियो विद्यापीठ। टुडे वी आर बैक विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन ईएमजी। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट नॉर्मल मोटर यूनिट पोटेंशियल। ओके, दैट इज MUP। ओके, सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज वेरी इजी पार्ट एंड जस्ट इट इज अ थिंग विच इज टू बी understand only, okay? So there is no, not any kind of cramming, okay? So normal motor unit potential, see, whenever we are taking an action potential, that is from the one muscle fiber, but when we are taking the motor unit potential, definitely it will be taken from all the muscle fiber to which the motor unit is supplying. Okay, so it represents the muscle action potential supplied by anterior horn cell. Okay, so it represents the sum of muscle action potential supplied by anterior horn cell. एक anterior horn cell जितने भी muscle fiber को supply कर रहा है उन सबके action potential का sum है। अच्छा, तो definitely अगर वो किसी चीज का sum है और वो individual से तो बड़ा ही होगा। सो मसल फाइबर डिस्चार्ज इन अ नियर सिंक्रोनी एडजेसेंट टू नीडल इलेक्ट्रोड। एक मिनट में ये चीज समझाता हूं। दस द मोटर यूनिट पोटेंशियल हैज हाइयर एम्पलीट्यूड एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो अब ये बात क्लियर हुई, क्यों? क्योंकि जो MUP है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बन रहा है, दैट इज वाई द ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड इज लॉन्गर देन एज कंपेयर टू द एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल मसल फाइबर। अब जो ये पॉइंट था वो क्या है कि ये जो सारे मसल फाइबर हैं वो लगभग एक ही समय पे अपना डिस्चार्ज करते हैं एडजेसेंट टू द नीडल इलेक्ट्रोड। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी बाय विच दे डिस्चार्ज इन अ कलेक्टिव मैनर एंड इन अ टुगेदर इन द टुगेदरनेस इट इज कॉल्ड द सिंक्रोनी। सो मसल फाइबर डिस्चार्ज नियर सिंक्रोनी एडजेसेंट टू नीडल इलेक्ट्रोड। ओके, और माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन। सी, अब जब माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन है तब जो रेट है वो क्या है? रेट ऑफ फायरिंग इज 5 to 15 हर्ट्स। अब मान लो मैंने थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्शन की तब ये है हमारा रेट ऑफ फायरिंग, और जब मैंने ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन की तो डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगा। एंड रिक्रूटमेंट रेफर टू एडिशनल फाइबर ऑफ MUP ड्यूरिंग फर्दर मसल कॉन्ट्रेक्शन विच डिपेंड अपॉन साइज प्रिंसिपल। सो साइज प्रिंसिपल इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहां पर आपको स्टार पॉइंट मार्क करना है। और सबसे बड़ी बात, साइज प्रिंसिपल होता क्या है? अब तक मैंने आपको बताया कि MUP क्या है, एक मोटर यूनिट के सारे मसल फाइबर के एक्शन पोटेंशियल का सम है। फिर क्या बताया कि ये सारे फाइबर इकट्ठे ही डिस्चार्ज करते हैं अपनी अपनी इंपल्सिस का, कहां पर? एडजेसेंट टू नीडल इलेक्ट्रोड। फिर क्या बताया कि इनका एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जो कि एक मसल फाइबर से था उससे थोड़ा ज्यादा है, और वो डेफिनेटली होना ही चाहिए था। फिर क्या बताया कि अगर माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन है तो रेट ऑफ डिस्चार्ज इतना है, और अगर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ी तो और बढ़ेगा। सो दैट इज द सिंपल फिनोमिनन, एंड दिस डिपेंड अपॉन साइज प्रिंसिपल। साइज प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब भी हम कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, द रिक्रूटमेंट अकर फर्स्टली फ्रॉम स्मॉलर मोटर यूनिट देन टू द लार्जर मोटर यूनिट। यानी कि जब मैंने थोड़ी कॉन्ट्रेक्शन की तो अभी छोटे मोटर यूनिट चले, और जब मैंने ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन की तब जो है बड़े मोटर यूनिट वो भी रिक्रूट हो रहे हैं। सो इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हेन एवर द कॉन्ट्रेक्शन इज माइल्ड द रिक्रूटमेंट इज बाय द स्मॉल मोटर यूनिट, बट एज द रेट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन और द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजेस द रिक्रूटमेंट अकर फ्रॉम द लार्जर मोटर यूनिट ऑल्सो। ओके, सो MUP इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय दी सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ग्राफ का ड्यूरेशन, राइज टाइम, और वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द ड्यूरेशन ऑफ MUP। सी,
ये चीज है ड्यूरेशन. दिस बिग वन, बिग ब्लैक एरो इज रिप्रेजेंटिंग द ड्यूरेशन. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. अब इफ नाउ वी वॉन्ट टू जस्टिफाई दिस थिंग इन सिंपल वर्ड्स, वी विल राइट दैट द ड्यूरेशन ऑफ एमयूपी इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टेक ऑफ. इस पॉइंट से हुआ इनिशियल टेक ऑफ, ओके. फ्रॉम इनिशियल टेक ऑफ टू द पॉइंट ऑफ रिटर्न टू बेस लाइन. एक बार टेक ऑफ करने के बाद, जब वो सब सारा ग्राफ प्लॉट करने के बाद, फाइनली जब वो बेस लाइन पे आ रहा है, दैट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन ऑफ एमयूपी. सो ये क्या है, इनिशियल टेक ऑफ से लेके फाइनल रिटर्न तक का ड्यूरेशन. सो ड्यूरेशन ऑफ एमयूपी इज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टेक ऑफ टू द पॉइंट ऑफ रिटर्न टू बेस लाइन. ओके, सो इट वेरी फ्रॉम 5 to 15 hertz एंड डिपेंड अपॉन एज, मसल examined एंड टेम्परेचर. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट मसल का तो अलग अलग होगा ही. और ये चीजें मैंने आपके लिए लिखी हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी एमयूपी बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल द एमयूपी का ड्यूरेशन, ओके, एमयूपी का ड्यूरेशन यहां आप लिख लो ड्यूरेशन ऑफ एमयूपी. इसको यहां पे लाओ, यहां पर लिखो कि जो ड्यूरेशन ऑफ एमयूपी है ये उसका रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल एक 5 साल के बच्चे में डेल्टॉइड मसल, ओके, डेल्टॉइड मसल का जो ड्यूरेशन आएगा वो लगभग 9.2 के करीब आएगा मिली सेकेंड. ओके, एंड 10 साल में 9.6, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो ड्यूरेशन बढ़ता है. और टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब टेम्परेचर कम होगा तो ड्यूरेशन बढ़ेगा, और साइज ऑफ मसल की तो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन. अब आपको ग्राफ का एक पॉइंट समझ आ गया. फिर आ जाओ राइज टाइम ऑफ एमयूपी. ओके, सो ये क्या है, आप पहले ग्राफ में देखिए, ये रहा ये छोटे वाला ब्लैक एरो. ओके, सो इसको हम लिख देंगे राइज टाइम. सो लेट अस स्टडी नाउ. इट इज द ड्यूरेशन फ्रॉम इनिशियल पॉजिटिव टू सबसिक्वेंट नेगेटिव पीक. पहला पॉजिटिव पीक, ग्राफ मैंने बताया है कि नीचे को पॉजिटिव है और ऊपर को नेगेटिव है. फ्रॉम द फर्स्ट पॉजिटिव टू द सबसिक्वेंट, दैट इज नेक्स्ट नेगेटिव. ओके, सो आफ्टर द फर्स्ट पॉजिटिव, वेन एवर द ग्राफ इज एट द नेगेटिव पीक, द ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट पॉजिटिव पीक टू द सेकेंड नेगेटिव पीक इज कॉल्ड राइज टाइम. ओके, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ नीडल इलेक्ट्रोड फ्रॉम नीडल इलेक्ट्रोड फ्रॉम मसल फाइबर. एंड जब भी हम ईएमजी करते हैं, अगर तो हमारा राइज टाइम 500 माइक्रोसेकंड से कम आ रहा है, देन इट इज एक्सेप्टेबल. दैट इज द राइज टाइम लेस देन 500 माइक्रोसेकंड इज एक्सेप्टेबल, वी कैन यूज इट. बट इफ इट इज कमिंग मोर देन 500 माइक्रोसेकंड, इट मींस दैट देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एंड ऑल्सो इट सिग्निफाइज दैट द नीडल इलेक्ट्रोड इज अवे फ्रॉम द एंड प्लेट और द मोटर यूनिट. ओके, सो जो नीडल इलेक्ट्रोड है अगर वो काफी दूर होगा, सो डेफिनेटली रास्ते में बहुत रिस्ट्रिक्शन आएगी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. और अगर ड्यूरेशन 500 से ज्यादा आ रहा है, तब हमको नीडल का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द सिग्नल, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइज टाइम. ओके, सो राइज टाइम में क्या पढ़ा, पहले पॉजिटिव पीक से लेके अगली नेगेटिव पीक तक का जो ड्यूरेशन है, फिर नॉर्मली लेस देन 500 माइक्रोसेकंड, एंड इफ इट इज मोर देन 500 माइक्रोसेकंड, इट मींस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज ड्यू टू द फर्दर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड. सो डेफिनेटली वी विल बी रीपोजिशनिंग द इलेक्ट्रोड सो एज टू कीप इट नियर टू द मोटर यूनिट. ओके, सो नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एमयूपी, मोटर यूनिट पोटेंशियल. दिस वर्टिकल ब्लैक एरो इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. ओके, सो इट इज मेजर्ड पीक टू पीक. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट पीक, दैट इज फर्स्ट पॉजिटिव पीक,
to the second negative peak. Okay, it is measured from peak to peak, and further it depends upon size and density of muscle fiber, also depend upon synchrony of firing and proximity of the needle to muscle fiber. See, this point is again important. You can see in this diagram that needle is not much deep and the graph is like this. Okay, and the amplitude is from this to this. But when the needle is going deep inside the muscle, you can see that the amplitude is increasing. Okay, so more is the depth, more is the depth of penetration of the needle, more will be the amplitude. Also, it depends upon age and muscle examined, also on temperature. Okay, then decreasing muscle temperature result in higher amplitude and longer duration of MUP, which I have explained earlier. कि यहाँ पर भी जब temperature कम था तो MUP का duration बढ़ रहा था, और यहाँ पर भी अगर temperature कम होगा तब भी amplitude जो है वो increase करेगा. Okay, so we are done with duration, rise time and amplitude. Okay, so next is phase. Okay, phase is that how many time the graph is crossing the baseline. So here the point was initially here. First of all, the graph is moving downward. Okay, so it was the first point, then it moved upward, then it again moved downward. So how many times the graph is cutting the baseline? 1, 2, 3. So definitely this is a triphasic graph. Okay, so MUP recorded by the concentric or monopolar needle reveals as interval triphasic, that is positive, negative. Initially it is positive, then it moved to negative, and again it reached to the positive potential. Okay, it reveals an inverted triphasic potential. Okay, so ये जो graph है वो एक inverted triphasic potential है, positive, negative, positive phase के साथ. And the phase is defined as the portion of MUP between departure and return to baseline. Okay, so you can write it that how many time it is cutting the baseline or departure to return. Okay, so it departure from here, then return, that is one phase. Again departure, again return, second phase. Again departure and again return, that is the third phase. Okay, and MUP which is having more than four phases, that is if graph is further like this, that is the fourth phase. So it will be a polyphasic. Okay, after the four phases it is called as polyphasic potential. Next is variability of motor unit potential. Normally if needle electrode is fixed, okay, there is no variation in MUP, because once we insert the needle electrode inside the muscle and it is not moving, then definitely there will be no MUP. And if the variation are occurring, which means that there is something abnormal. Okay, so normally if needle electrode is fixed, okay, the condition is that the electrode must be fixed, then there is no variation of MUP. But if there is variation in MUP with the fixed needle, then definitely there will be an abnormality. And last is satellite potential. This I will explain you with this diagram. This is the anterior horn cell, okay, and it is supplying to various muscle fiber. And all these muscle fiber are giving us this graph, that is initial this part. Okay, you need to please zoom on this particular area. Okay, so this is anterior horn cell and it is supplying to these muscle fibers. Okay, and these muscle fibers are giving this graph, which is same only. Okay, but you can see that there is another spike which is produced, and that is called satellite potential, and that is moving from this point. Okay, so what is this? That these are late potential. Okay, the normal graph is this only, but after this sometime there is some potential received, so this is termed as the late potential, which is generated by the muscle fiber in a motor unit with the long nerve terminal.
एंड विच इज ऑफ नैरो डायमीटर और डिस्टेंट एंड प्लेट रीजन, मतलब के यहां से एक और जो नर्व सप्लाई एक और मसल फाइबर को जा रहा है वो उससे एक पोटेंशियल आ रहा है। अब डेफिनेटली जो इससे आ रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन कम होगा, क्यों? क्योंकि जो पहला ग्राफ बना वो इन सब के समीशन से बना था, सो डेफिनेटली द एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन विल बी मोर, दैट वाज अवर सेकंड पॉइंट। अब जो लास्ट वाला है वो तो एक मसल फाइबर से है, सो डेफिनेटली वो उसका जो एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन वो कम होगा। सो व्हाट इज सैटेलाइट पोटेंशियल, दीज आर द लेट पोटेंशियल विच आर जनरेटेड बाय द मसल फाइबर इन अ मोटर यूनिट विद द लॉन्ग नर्व टर्मिनल, जिसमें एक लॉन्ग नर्व टर्मिनल होगा और उसका नैरो डायमीटर एंड डिस्टल एंड प्लेट रीजन में वो सप्लाई कर रहा होगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द नॉर्मल मोटर यूनिट पोटेंशियल। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड ईएमजी, ओके, देन वी हैव स्टडीड नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ, देन अबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू नॉर्मल मोटर यूनिट पोटेंशियल। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर स्टडीइंग। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक नाउ आफ्टर दिस देर विल बी मैक्सिमम 1 to 2 मोर लेक्चर ऑफ ईएमजी एंड देन वी विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो टिल देन यू कीप ऑन स्टडी, थैंक यू टू वन एंड ऑल।